हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो अभी सो के उठ चुके, वीडियो एडिट कर रहे थे, तो सोचा तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड एक बात बताऊँ आपको, आज मम्मी जी कल से आज का ना रूटीन चेंज हो गया मम्मी का। मम्मी आज सुबह सुबह खाना बनाने लगी, नहा कर होगी। आज तो भाई सुबह सुबह बीमार होना कौन चाहता है। डॉक्टर ने बोला कि तुम जल्दी से खाना खाना है सुबह तो सही हो जाओगी। तो भैया ये भी कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे तो तुम्हें पता ही है क्या हाल हो रहा है मेरा। अभी आ गया मेरे ऊपर बहुत जल्दी से, मेरी तबीयत खराब हो गई। मम्मी ने अभी अपना शेड्यूल चेंज कर लिया पूरा। एंड अब जल्दी जल्दी अभी खाना बना रही है। एंड जितने अभी खाना था वो सब कर लिया, नहा भी ली मम्मी, बस मैं नहाना रह गया। तो दीदी भी नहा लिया, दीदी ऊपर गई है। तो चलो अभी मैं भी जल्दी से वीडियो एडिट करके अपलोड करता हूँ। एंड मैं भी जाता हूँ नहाने। गाइस नहा धो के रेडी होके खाना पीना खा के सब चीज़ से फ्री होके अभी दीदी जी जा रही हैं अपना अकाउंट खुलवाने। हैं भाई तुम इतने बड़े हो गए अकाउंट खुलवाने लाए? ये कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि कल मौसम खराब था तो यहीं डाल दिए थे। तो और मैं और मम्मी जा रहे हैं अपने कुछ और बैंक के काम से, मतलब दीदी अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हैं अकाउंट खुलवाने, और मैं और मम्मी जा रहे हैं हमारे अकाउंट में कुछ दिक्कत आ रही है उसे क्लियर कराने। पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही है यार, परेशान करके रख रखा है। जो मेन वीडियोस नहीं आई है ना उसमें सबसे बड़ा हाथ उसका भी है, क्योंकि भाई कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा था। एंड फ़ोन में इतना नेट नहीं था, मतलब नेट तो बहुत था, मैंने इतना नेट डाला था कि मैंने सोची थी कि आराम से डल जाएंगी, कम से कम 4-5 वीडियो तो डली जाएंगी। भाई लिटरली 2 वीडियो डली उससे, टोटल नहीं 2 नहीं 3 वीडियो डली 12 GB डाटा से। मेरे को क्या पता थी कि कितना यूज़ होगा, क्योंकि मैं तो वाईफाई से अपलोड करता हूँ तो मेरे को इतना वो नहीं, मतलब मेरे को इतना पता नहीं चलता। तो इसलिए अभी और उस टाइम पे हमारा अकाउंट काम नहीं कर रहा था, कोई भी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करो ऑनलाइन नहीं हो रहा था, नेट नहीं डल पा रहा था, और नेट नहीं डल पा रहा था तो वीडियो नहीं डल पा रही थी। काफ़ी सारी चीज़ों ने मिलकर हमें वहाँ पर वीडियोज़ नहीं डालनी थी, वरना रेगुलर टाइम से मैं एडिट कर देता था एंड अपलोडिंग में भी लगा देता था, पर अपलोड नहीं होती थी। तो अभी जा रहे हैं बैंक, देखते हैं। वैसे हम बैंक उस दिन गए थे जिस दिन मेरी तबीयत खराब थी ना, उस दिन भी इसी काम से गए थे, बट उस दिन ये काम हुआ नहीं था। आज हम जा रहे हैं संजय पैलेस, कल तो यहाँ पर जो हमारे नियर बाई है उसी से गए थे, पर हमें पता है, मेरे को लगा था कि वहाँ पर काम नहीं होगा, वैसा ही हुआ। मम्मी ने कहा वहाँ चल ले, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जा रहे हैं संजय पैलेस बैंक में, देखते हैं काम होता है कि नहीं। तो गाइस अभी निकल रहे हैं बैंक के लिए, बैग टांग लिया, मतलब बैग में अपना सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रख लिए। एंड निकल रहे हैं बैंक के लिए, देखते हैं काम हो जाए बस यार, वरना हो जाएगी ऐसे से। चलो चलते बैंक चलते। अभी ये देखो ये क्या 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 भैया, चल गंदे मत कर, चल कितना बदतमीज है मम्मी, मैं तुझे याद नहीं करूंगी। अरे मेरा मोटा, चल हट हट, लग जाएगी कर लेंगे, लग जाएगी, अरे लग जाएगी, आज मम्मी मोट हुआ अरे मैं इस मोट ए चल ओ खा ले ले खा ले चल इसे मत डालियो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया डालूंगा तो बतो इधर कुत्ता। दीदी आप मेरी बहन, आपको पता है ना क्यों बोल जाती हो? हम मेरे कुत्ते भैया हो, आपको पता है ना। मम्मी कोशिश करो डंडा उतार रहे हमारा। गाइस कभी किसी की गैस ना निकले ना उसको ऐसे करो कोशिश कर चल बेवकूफ हमारे तो बहुत गैस निकल रही है, अब निकल नहीं रही है गैस फायरिंग पार्टी चल रही है तो पागलो चूरन लिया मेरे लिए और पानी ले गैस फायरिंग करेंगे, चूरन ले गया, चूरन ले गया। मेरे बहुत दर्द, मेरी बहुत दर्द हो रहा थी, कॉन्टू टूटा हुआ है। चलो चलो राजा प्लीज ले, अंजलि प्लीज ले बेटा, 2 महीने बाद फिर तू ही कहेगा। 2 महीने नहीं, 20 दिन, सॉरी बस 20 दिन रह गए ना, प्लीज जा। तभी तो कह रहा हूँ चले जा 20 दिन और काम कर ले अपनी मम्मी के लिए। 20 दिन बाद चले जाऊंगी गाइस,
निकल पहली फुर्सत में निकल जाना। 20 दिन है मम्मी की सेवा निकल जा रही होगी तेरे पे। मैं मम्मी के पास बैठना चाहती हूँ। जा जा लेके ये दीदी है मम्मी के मुंह पे गाय लेट रहो बदतमीज कुत्ते की कमीज। अभी गए थे हम हॉस्पिटल से आए हैं दोबारा, आज फिर मम्मी को दिखाने गए थे, आज फिर मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई। गाइस कमेंट करके बताओ किससे बनती है सही। बैंक का काम मतलब उनने मेल वेल डाल दी, उसके बाद मैंने वहां से आने का ब्लॉग शूट नहीं किया। अकाउंट खुल गया गाइस, 2 दिन बाद मिल जाएगा मुझे मेरा वो पासबुक और व्हाटएवर जो भी मिलता है वो सब मिल जाएगा। पर कार्ड नहीं मिलेगा, वो भी बनवा लेंगे। पैसा होता है ऐसी क्या बात है, पैसा भले ही हो या ना हो हम पे उस पर यूट्यूब मनी आएगी ना, वो 100 रुपए जो पिछले 2 महीने बन पाए। इतना भी सच नहीं बोलना था, बंद कर दे। चलो अपना पानी लेके आओ मेरे लिए, जाना चूरन लेके आना, आधे घंटे से सुन नहीं पा रहा होगा। रात ही रात पड़ेंगे। मैं आपसे 4 बार कह चुका हूँ, आप कभी सुन नहीं आ रही। जा जा हट जा, मैं अपने आप खा गया। शर्म नहीं आती भी, तेरे शर्म नहीं आती है? देखो जान भी जान देखो जान भी खुद गई। अगर किसी मूवी या वेब सीरीज वगैरह में जाके खाली हो तो मेरे मोटे को बुला ले, ये बहुत नोटिंग करता है। एक्टिंग किसी से कम नहीं है। चुप हो जा। हाँ नहीं तो अच्छा राजू का एक्टिंग करके बेवकूफ बना सकती हूँ मैं। जी बेवकूफ आदमी है तो ये समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ बन जाएगी, पर ये अकेले बेवकूफ। पर भाई तू ही बेवकूफ नहीं बनता क्योंकि तुझे मेरी सारी टेक्निक्स पता है, बाकी सब बन जाते हैं बेवकूफ। यू बेवकूफ जस्ट यू गो टू जा So guys, अभी खाना पीना खाया, खाना पीना नहीं आज मम्मी ने बनाई थी पाव भाजी। कैसी बनी थी भाई? चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, खा लिया पेट है, लेला नहीं जा रहा है। कैसी बनी थी? चला नहीं जा रहा। अरे कैसी बनी थी चला नहीं जा रहा, किसने पूछा? हबीबी माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप ये पूछ रहे हो ये क्यों डाला कि ये मेरे को भी नहीं पता। मजे की हटो। हाँ जी, हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत ठीक है। नहीं इधर नहीं, इधर तो आओ। कैसी तबीयत है आपकी? सही है। आज आपने पाव भाजी बहुत टेस्टी बनाई थी, सच्ची सच्ची मजा आ गया। थैंक यू हटिया। एंड अब आप सोच रहे होगे कि ये चुन्नी किस स्टाइल में डाल रखी है और क्यों डाल रखी है। मेरे को ये भी नहीं पता कि किस स्टाइल में डाल रखी है और मेरे को ये भी नहीं पता कि क्यों डाल रखी है, बस ऐसी पड़ी थी तो मैंने सोचा डाल लो तो डाल ली, और ये भी नहीं सोचा कि डाल लो, यहाँ पे पड़ा था मैंने अपने मुंह पे यूं करके यूं रख रखी थी, और ऐसे कब होगी मेरे को नहीं पता है। तो अभी जा रहे हैं बस सोने खा पी के, पेट भर गया मस्त। मम्मी ने बनाई थी एकदम टेस्टी पाव भाजी। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।